हरे कृष्णा। आवाज आने की सबको? तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान पांच बातें बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा अगर हमें प्राप्त करना है तो पांच कार्य करने होंगे। एक तो पहला कार्य है ऋषि बनना। ऋषि बनने का मतलब है कि विचार करना कि भौतिक संसार कष्टों का है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के दुख और दोषों का बार बार चिंतन करना, तो ऋषि बनना है पहली आवश्यकता है। फिर दूसरी आवश्यकता है क्षीण कलमशा अपने पापों को छीण करना। अपने पापों को छीण करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। तो हरे कृष्ण के मंत्र जप से आपके पाप क्षीण होते हैं। फिर छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा का मतलब है दुविधा को छिन्न भिन्न करना। दुविधा क्या होती है? दुविधा ये होती है कि दुनिया की सेवा करें या भगवान की सेवा करें, बड़ी दुविधा होती है। भगवान की सेवा तो एक तरफ आपका मन कहता है कि भगवान की सेवा से क्या होगा, दुनिया की सेवा करो तो वाह वाही होगी, लोग जो है जानेंगे कि हमने कुछ काम किया है, भगवान की सेवा करने से क्या फायदा होगा। तो एक तरफ मन ऐसा कहता है, दूसरी तरफ जो बुद्धि है वो कहती है कि भगवान की सेवा करो, क्योंकि भगवान की सेवा उसी प्रकार से है जैसे जड़ में पानी डालना। जड़ में अगर पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में पानी जाता है, तो सबकी सेवा होती है। तो ये बड़ी दुविधा हो जाती है। लेकिन छिन्न द्वैधा, अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है तो फिर वो जो है दुविधा से छूट जाता है। वो श्लोक है ना सातवें अध्याय का, ये साम तंद कदम पापम जना नाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। तो द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हो। यहाँ द्वैधा बताया है, द्वैधा या दुविधा उसी को द्वंद्व मोह कहा है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो द्वंद्व का मोह से छूट जाते हैं और भजन्ते माम दृढ़ता, दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। अब उनको जो है कोई संदेह नहीं रहता, दुनिया की सेवा करना, समाज सेवा करना, परोपकार करना और राष्ट्र सेवा करना, देश सेवा करना, मानवता की सेवा करना, ये सब जो विचारधाराएं हैं तो इनसे कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा होती है। तो भजन्ते माम दृढ़व्रता ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, द्वंद्व के मोह से छूट जाते हैं। नहीं तो द्वंद्व का मोह बना रहता है, द्वंद्व का मोह बना रहता है कि भगवान की भक्ति करें तो दुनिया छूटती है, तो क्या करूं? दुनिया वाले जो है शिकायत करते हैं और नाराज होते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करूं? तो ये जो दुविधा है वो बहुत तंग करती है। दुविधा में बड़ा व्यक्ति परेशान रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, बड़ी समस्या होती दुविधा की। लेकिन ये शाम तंद कदम पापम जना नाम पुण्यकर्मणाम, तो जिनके पाप का अंत हो गया है और पुण्यों का जो है ढेर हो गया, पुण्यों का ढेर हो गया, तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो द्वंद्व के मोह से वो बिल्कुल निकल आते हैं और भजन्ते माम दृढ़ता, दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। एक ही दिशा उसकी, एक ही दिशा होती है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। जैसे ध्रुव महाराज थे तो बड़े पुण्यात्मा थे, इसलिए वन में चल जा करके भगवान को प्रसन्न करने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि भगवान को प्रसन्न करना है। अब मुझे अपने पिता से कोई मतलब नहीं है और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है,
मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने भजन किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं द्विच्छिन्न द्वैधा हैं कि दो प्रकार के जो है विचार होने ही नहीं चाहिए, एक ही प्रकार का विचार होना चाहिए। और भगवद गीता जो है ऐसा उपदेश है जिसमें कि दुविधा नहीं रहती, दुविधा नहीं रहती। कृष्ण हर जगह यही बात बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे शरण में आओ। यहाँ भी वही दुविधा, अर्जुन के पास दुविधा है, बहुत दुविधा है, मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, इसी कहते हैं द्वैधा, दुविधा, युद्ध करूँ या ना करूँ, भ्रम थी उसे मैं मना, मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। कैसे भ्रमित हो रहा है? जैसे मथानी जो दही में जब मंथन करते हैं तो मथानी घूमती एक तरफ से तो घूमती जाती है, इसी तरफ घूमती जाती है, फिर दूसरी तरफ घूमती तो उसी तरफ घूमती जाती है। ऐसे ही मन, अर्जुन का मन जो है जब घूमता है युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, तो उनके दिमाग में यही विचार आता है कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को बड़ा उत्साह होता है युद्ध करने में, युद्ध करने का मौका मिला है, ओहो कितना अच्छा मौका युद्ध करने का, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। फिर जब युद्ध नहीं करने का विचार आता है तो युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना है। तो फिर अर्जुन के मन में बहुत विचार आते हैं, युद्ध करने से कुल का विनाश हो जाएगा, कुल के विनाश से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर पैदा होने से पितर गिर जाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना। तो मथानी की तरह अर्जुन का जो है मन घूम रहा है, पूरी तरह से घूम रहा है। इस प्रकार से अर्जुन को जो है बड़ा मोह हो गया, इसको कहते हैं द्वंद्व मोह है। इस द्वंद्व का जो मोह है वो अर्जुन को जो है मतलब बहुत परेशान कर रहा है। और अर्जुन फिर भगवान की शरण लेते हैं, शरण कार्पण्य दोषो भस्मभाव, कि कायरता का दोष मेरे अंदर आ गया है। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता, धर्म के विषय में सम्मोहित हो गया हूँ मैं। तो वही द्वंद्व मोह, धर्म के विषय में सम्मोहित हो गया हूँ। अब मेरा धर्म युद्ध नहीं करना है, तो एक तरफ धर्म कहता है युद्ध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ धर्म कहता है युद्ध करना चाहिए, मेरा धर्म युद्ध करना है। तो धर्म के विषय में बड़ा द्वंद्व हो गया है अर्जुन को। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, ये श्रेया श्याम्य शतम रोहितं मे, निश्चित रूप से मेरा कल्याण कैसे होगा आप मुझे वो निश्चित करके बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा निश्चित करके बताइए। तो वो जो है अर्जुन का भी जो है एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है कि किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सर्वोच्च कल्याण किस प्रकार से होगा, श्रेय किस प्रकार से होगा। तो जब व्यक्ति की बुद्धि जो है श्रेय में स्थिर हो जाती है कि मुझे श्रेय चाहिए, है ना, तो उस दिशा में फिर भगवान उसको दिशा दिखाते हैं, भगवान उसको जो है फिर रास्ता दिखाते हैं उस दिशा में कि अगर तुम अपना परम कल्याण चाहते हो, सर्वोच्च कल्याण चाहते हो, तो मेरी भजन, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो, हैं। तो यश्रेयस्यान निश्चितम रूहे तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो पूरी भगवद गीता जो है हमारे दुविधा को छिन्न करने के लिए। और बाद में अर्जुन का जो है जब उत्तर मिलता है भगवान को, अर्जुन उत्तर देते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मया च्युता है, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। कौन सा मोह? द्वंद्व मोह, जो युद्ध नहीं करना है और युद्ध करना है, द्वंद्व, तो वो मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, तो प्रसादान मया, आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, इस तोष में गत संदेहा, अब मैं जो है स्थित हो बिना संदेह के स्थित हूँ। करिष्ये वचनम तब
आपके आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये जो है अर्जुन का जो दुविधा है वो समाप्त हो गई। तो भगवद गीता जो है इसीलिए है कि दुविधा ना रहे, बिल्कुल दुविधा ना रहे, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें इसी प्रकार की भावना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और अगर कृष्ण अपनी सेवा में लगाएंगे तब हम माया की सेवा से छूट सकते हैं, नहीं तो माया की सेवा से हम छूट नहीं सकते। माया नहीं छोड़ सकते हमको, अपनी सेवा कराएगी और लाते मारे। लेकिन अगर हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो कृष्ण हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो माया फिर छोड़ देगी। फिर माया कहेगी अब तुम मेरे चंगुल से छूट गए, क्योंकि कृष्ण तुमको मेरी अपनी सेवा में लगा रहे हैं, तो अब जो है तुम्हें मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं। तो माया जो है बड़ी कठोर है, आपको कभी भी जो है छुट्टी नहीं देगी, अपनी सेवा में लगाएगी हैं, और पैरों से कुचलती रहेगी, आप नहीं छोड़ सकते। यानी कृष्ण से प्रार्थना करो मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो कृष्ण अगर अपनी सेवा में आपको लगाएंगे तो माया कहती अब तो हमारे मालिक हैं वो, तुम उनकी सेवा कर रहे हो तो फिर मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, तो छोड़ देंगे, है ना। तो वही है, एक ही जो है लक्ष्य होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए, एक ही निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप यही है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो छिन्न द्वैधा यथात्मानः, तो जब छिन्न उसकी दुविधाएं छिन्न हो जाती हैं कि कृष्ण की सेवा ही करनी है, तो यथात्मानः, तो आत्मा उसका जो मन है वो वशीभूत हो जाता है। अब उसका जो मन है एक दिशा में चलता है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। सर्वभूत हृदय रहता फिर सब प्राणियों के हित में रथ, तो सब प्राणियों को भी ये संदेश देते हैं। ये प्रभुपाद की पुस्तक है, ये देना वितरण करना, पुस्तक वितरण करना, ये सब प्राणियों का जो है हित है, सबके लिए कल्याणकारी कार्य है कि ग्रंथों का वितरण करना, किसी को भी हरि नाम का उपदेश देना, तो ये जो है सब प्राणियों के लिए हितकारी है। ऐसा नहीं कि एक के लिए हितकारी हो दूसरे के लिए हितकारी ना हो। आप भोजन अगर बांटते हैं तो सबको तो भोजन नहीं बांट सकते, तो सबका हित आप कर नहीं सकते। अगर आप भोजन बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, तो कितना कपड़ा बांटोगे, आप सबको कपड़ा दे नहीं सकते। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें सबका आप हित कर सके। लेकिन जो हरि नाम का उपदेश आप करते हैं या हरि नाम आप खुद जप करते हैं तो उसमें भी सबका हित होता है। उसी प्रकार से जैसे जड़ वृक्ष की जड़ में आप पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में वो पानी जाता है, उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है, है ना। ये एक वैज्ञानिक सत्य है ना। आप पेड़ को जो है सिंचन नहीं कर सकते, अलग अलग पत्तियों में आप पानी डालें तो इस तरह से पेड़ का सिंचन नहीं हो सकता कि अलग अलग शाखाओं में आप पानी डालें। इन जड़ में आप पानी डालते हैं तो सब शाखाओं में और सब तने में और पत्तियों में सब जगह पानी पहुंच जाता है। तो यही तरीका है, एकमात्र यही तरीका है। सर्वभूत हृदय रहता सब प्राणियों के हित, अगर सबका हित अगर करना है तो कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत को अपनाइए, आप कृष्ण का भजन करिए, है ना। तो जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं उन्होंने कृष्ण का भजन किया, और अपने भजन की शक्ति से उन्होंने पूरे विश्व में जो है ये चेतना फैलाई, है ना। भक्ति सिद्धांत शक्ति ठाकुर ने 100 करोड़ नामों का जप किया था केवल इसी भावना से कि पूरी दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र फैले। तो इस प्रकार से जब भक्त लोग भगवान की जो है सेवा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसमें सब प्राणियों का हित होता है। अगर हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग भक्त बने, है ना, तो भगवान जो है मतलब हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो पूरी दुनिया में भक्ति फैलेगी। प्रभुपाद ने इसी प्रकार से प्रयास किया, पूरी दुनिया में कृष्ण की भक्ति को फैलाया। तो सर्वभूत हितेरता का
ये मतलब है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।